This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, आज के मुख्य समाचारों के साथ मैं निशा आप सबका करती हूँ बहुत बहुत स्वागत। खबरों को विस्तार में जानेंगे, लेकिन दर्शकों आज के समाचार लंबे होने के कारण हम तीन ही समाचार आपके समक्ष लेकर आए हैं। कृपया खबरों को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उसके पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। जहर पीकर दी जान, आजादी के अमृत महोत्सव का टाइम टेबल, MANUU का स्टडी सेंटर फिर से शुरू। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ये तस्वीर 16 वर्षीय बालिका अंजलि की है। अंजलि वेमपल्ली की रहने वाली थी। कल अंजलि ने फर्टिलाइजर पीकर जान दे दी। जब घर पर कोई नहीं था तब अंजलि ने दवा पी ली, और जब घर वाले वापस लौटे तो देखा कि लड़की बेहोश पड़ी है। कागज नगर के दवा खाने में ले गई तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन सवाल ये बाकी रह गया कि अंजलि ने जान क्यों दी। घर वालों का कहना है कि अंजलि कई दिनों से सदमे में थी। सदमे का कारण था उसका 10वीं की परीक्षा में फेल हो जाना। रिजल्ट आने के बाद जब उसे पता चला कि वो फेल हो गई है, तब वो मानसिक दबाव का शिकार बन गई। गहरे तनाव में रहते रहते उसने अभी चल रहे सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी भी ठीक से नहीं की। फिर एक बार फेल होने के डर से उसने अपनी जान दे दी। कहते हैं कि जब बच्चे 14 साल के हो जाते हैं तो माता पिता को उनका दोस्त बनना पड़ता है। उनसे ठीक वैसा ही बर्ताव करना पड़ता है जैसा कि किसी दोस्त से किया जाता है। उनके मन की बातों को सुनना, समझना और सुलझाना जरूरी है। जब माता पिता से बच्चों का भरोसा उठ जाता है, तब ऐसे बच्चे खुद को अकेला पाकर या तो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर एक अच्छा दोस्त चुनकर उसके साथ भाग निकलते हैं। अंजलि की आत्मा को शांति मिले। दर्शकों आपसे अनुरोध है कि अंजलि के लिए कमेंट में ओम शांति अवश्य लिखें। कल कलेक्टर कार्यालय में एक बहुत बड़ी बैठक हुई। बैठक का विषय था आजादी का अमृत महोत्सव। देश को स्वतंत्र हुए 75 साल पूरे होने को है, ऐसे में जिले में बड़े आयोजन करने की तैयारियां शुरू हो गई है। बैठक में कलेक्टर श्री राहुल राज, दोनों एडिशनल कलेक्टर राजेशम और चाहत वाजपेयी, SP श्री सुरेश कुमार, जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती कोवा लक्ष्मी समेत सभी बड़े अधिकारी पहुंचे। योजना क्या बनी ये जान लीजिए। 9 तारीख को हर घर तिरंगा बांटा जाएगा। 10 तारीख को हर जगह पौधारोपण कार्यक्रम होगा। 11 तारीख को पुलिस विभाग फ्रीडम रन कार्यक्रम आयोजित करेगी। 12 तारीख को राष्ट्रीय एकता रक्षा बंधन कार्यक्रम होगा। 13 तारीख को NCC और NSS के कैडेट अपना शक्ति प्रदर्शन पैरेड करेंगे। 14 तारीख को लोक नृत्य कार्यक्रम होगा। 15 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 16 तारीख को कवि सम्मेलन होगा। भाग लेने वाले कवियों को 10 तारीख के पहले अपना आवेदन KBA कवि सम्मेलन @gmail.com पर भेजना होगा। 17 तारीख को रक्तदान शिविर लगेंगे। 18 को फ्रीडम कप नाम से खेल उत्सव होंगे। 19 को अस्पतालों में फल वितरण किया जाएगा। 20 को रंगोली प्रतियोगिता होगी। 21 को हर ग्राम पंचायत में स्वतंत्रता दिवस की पब्लिक मीटिंग होगी। और आखिर में 22 तारीख को राज्य की राजधानी हैदराबाद में बड़ा इवेंट होगा, जिसमें हर जिले से हस्तियों को बुलाया जाएगा। तो दर्शकों उम्मीद है आपको भी बेसब्री से आजादी के दिवस 15 अगस्त के इंतजार होगा। ये सब कार्यक्रम आपको पसंद आए होंगे तो कृपया कमेंट में गुड लिखें और वीडियो को लाइक करें। ये तस्वीर है जनाब जाकिर शरीफ जी की। ये कोमरम भीम जिले के TRS पार्टी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कल एक प्रेस वार्ता बुलाई। जाकिर ने सूचना दी है कि प्रदेश के सबसे बड़े उर्दू यूनिवर्सिटी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक डिस्टेंस एजुकेशन स्टडीज सेंटर कागज नगर में खोल दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 2018 तक ये स्टडी सेंटर कागज नगर में चल रहा था, लेकिन अचानक से इसे यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया। इस सेंटर में लक्षेटीपेट, मंचरियाल, चेन्नूर, बेलमपल्ली, आसिफाबाद, राजूरा,
बलारपुर और चंद्रपुर से बच्चे पढ़ने आते थे। कागज नगर का ये सेंटर इन सब के लिए काफी सुविधाजनक था, लेकिन सेंटर बंद होने से परेशानी बढ़ गई। विधायक कोनेरू कोनप्पा के अथक प्रयासों के बाद ये सेंटर फिर से खोला जा सका। जाकिर ने इस सेंटर को खुलने में मदद करने वाले संगठनों ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन, जमात इस्लामी हिंद, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और मजलिस पार्टी का भी धन्यवाद किया। दर्शकों, आज की खबरें यहीं तक, मिलेंगे आज शाम की खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।